एंड टुडे वी विल वर्क आउट इंडिफरेंस ग्राफ, यानी इंडिफरेंस ग्राफ होता क्या है, कांसेप्ट क्या कहते हैं, इंडिफरेंस ग्राफ क्या है, किस चीज को इंडिफरेंस ग्राफ कहा जाता है। आप कहते हो इंडिफरेंस ग्राफ कोई एक ऐसी चीज जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर, अगर मैं बात करता हूं कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर करने, अगर डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन देखते हैं, इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन। आपके लिए जरूर था कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिली थी, सच एज मैंने ऑरेंजेस और मैंगोज दो टर्म्स दी, ये दोनों का मैं कंजम्पशन कर रहा हूं, आप पहले क्लियर करना ना, मैंने ऑरेंजेस और मैंगोज दोनों की कंजम्पशन कर ली, जब मैं इन दोनों की कंजम्पशन कर रहा हूं तो उस कंजम्पशन से जो मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती, at that equal satisfaction was being shown on curve, that curve is known as indifference curve. आपने कहा सर इंडिफरेंस कर्व है क्या, आप उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, आप बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, what are the features, what are the properties, और हम एक इंडिफरेंस कर्व को कैसे समझ सकते हैं। तो आज की क्लास पूरी तरह से सिर्फ उनके लिए जो इंडिफरेंस कर्व को समझना चाहते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व as you shown on the डायग्राम, आपने देखा इस डायग्राम पे आपको इंडिफरेंस कर्व शो हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, कैसे काम करता है, उसके चेंजेस हम डील करेंगे। सबसे पहले दोबारा जानेंगे इंडिफरेंस कर्व होता क्या, इंडिफरेंस कर्व वो चीज है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन, दैट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज दैट गिव द इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, तो हम कहते हैं दिस इज नोन एज वे इंडिफरेंस कर्व। अब इस पे आप कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दें, ए B, C, D, N, E. Suppose ये पांच अलग अलग पॉइंट है, इन पांचों पॉइंट्स पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो बिल्कुल इक्वल है, उसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है। आपने कहा कंज्यूमर इज गेटिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन वेयर एज A, B, C, D और E. He is getting an equal satisfaction. सबसे ज्यादा जरूरी हम लोगों ने जाना ये है कि इंडिफरेंस कर्व है क्या, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसके चेंजेस क्या आते हैं, प्रॉपर्टीज में क्लियर करेंगे, हमारे पास फीचर्स आएंगे, द फीचर्स फॉर इंडिफरेंस कर्व, somebody says the properties of indifference curve, these are one of the most important things that must kept in mind before going for this lecture. Those who have not subscribed to the channel till now, don't waste even a single minute, subscribe the channel as you're going to get lots of videos, those are going to help you out. आप शुरू करते हैं द वेरी फर्स्ट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में रहेगा इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए, आप बोलेंगे सर ये डाउनवर्ड है, डेफिनेटली डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अच्छा आपको ये डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, याद रखना आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या शेयर करता था, किसी भी चीज की कंजम्पशन उसकी यूटिलिटी को कम कर देता है, सच है आपको भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी यार, आप ये दुकान पे आते हैं छोले भटूरे मांगते हैं, डेफिनेटली छोले भटूरे हम सब खाते हैं, वी ऑल लव टू हैव इट, एक प्लेट दो प्लेट फिर नहीं चाहिए, उसके बाद उसकी कंजम्पशन कम हो गई आपकी, आपकी उसकी डायरी पार कम हो चुकी थी, आपने कहा अब मैं किसी और चीज प्रेफर करूंगा, तो कॉम्बिनेशन था वेदर यू गो टू ईट वन चपाती विद वन प्लेट ऑफ राइस और टू चपाती विद नो राइस दैट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन, तो जो चीजें स्टेट करती है वो क्या कहलाएगी इंडिफरेंस कर्व, तो पहला पॉइंट हमारा बताता है स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जैसे ही कॉन्वेक्स बोलता है तो आपके दिमाग में चीज क्लिक करती है, सर हमने कॉन्वेक्स मिलता जुलता कुछ सुना था, कॉनकेव याद है तो आपने पीपीसी पढ़ा होगा, यू मस्ट गो थ्रू बाय पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वहां पे आप देखते थे वो मैक्सिमम बोलता था ये इक्वल बोलता है, याद रखना दिस स्टेट्स दैट्स अ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन ओ है हमारा। थर्ड पॉइंट टू आईसी मींस इंडिफरेंस कर्व, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, आपने कहा सर यहां पर तो एक ही है, you can make 3-4 definitely, then it is not known as to be an indifference curve, tab ye kya kehlayega indifference map, pehle kya karna jab ek hi diagram ke upar do se zyada indifference curve honge to indifference curve nahi hoga, wo kya kehlayega indifference map,
and then jump up the last one. Higher the IC, higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो आपने दिमाग में रखनी है कि चार पॉइंट हैं जो दिमाग में रखने हैं छह नंबर के क्वेश्चन के लिए. इंडिफरेंस का क्या है, इंडिफरेंस का कैसे क्लियर कर सकते हैं, कौन सी चीजें दिमाग में होनी चाहिए इंडिफरेंस का आपको समझाने के लिए, वो क्या है. पहले दो भाग लेंगे, गोज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले क्लियर होता है. सेकेंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सर बिल्कुल ठीक था. थर्ड two indifference curve cannot intersect each other, and the last higher the indifference curve higher the level of satisfaction. ये याद रहना चाहिए आपको. अब आपने कहा सर इस चैप्टर में हमें और क्या क्या समझना है, तो थोड़ा और क्लियर करते हैं हम इसमें. अब एड ऑन करेंगे इंडिफरेंस मैप. अब इंडिफरेंस मैप क्या है, तो लेट सी. IC1, IC2, IC3. अब आप ध्यान से देख सकते हो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने हर बार उसको आगे कर दिया. तो अब आपके दिमाग में आता है कि सर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यू कैन हैव दिस पॉइंट टू, डेफिनेटली दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. मैंने आपको पहले मेंशन किया. उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है आपके लिए बहुत ईजी है कि हायर द लेवल ऑफ आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके हाथ में, आपको कैसे डील करना है, दिस ऑल इन योर हैंड. फॉर दैट यू हैव टू वर्क आउट दिस क्लास सो दैट यू कैन क्लियर इंडिफरेंस कर्व. फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. कैच यू विद अ न्यू वीडियो वेरी सून.